बाड़मेर शहर के सबसे व्यस्ततम जगह सिंदरी सर्किल के पास रविवार को दिन दहाड़े सरे बाजार हुई फायरिंग से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रविवार शाम को गाड़ी में सवार होकर आए बदमाश ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि गोली युवक के पांव में लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो सवार बदमाश मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रिको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर डीएसपी रमेश कुमार शर्मा भी राजकीय अस्पताल पहुंचे और घायल से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू की। डीएसपी रमेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि करण पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी रावतसर सिंदरी रोड पर एक दुकान के आगे खड़ा था। इस दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर आए करण पुत्र खड़ताराम जाट निवासी रावतसर ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली युवक के पांव में लगी है, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित करण पुत्र मानाराम निवासी रावतसर, इसके पैर में गोली मारी है। इसी के गांव का है, करणाराम पुत्र खड़ताराम जाट निवासी रावतसर। हाँ, गांव में शायद पहले इनके कोई अनबन है, दोनों पार्टियां। ये एक सरपंच है और अभी वाला है जो वर्तमान सरपंच का शायद पोता या बेटा है। नाकाबंदी कर रही है और शीघ्र ही मुलजिमों को दस्तियाब कर लिया जाएगा। नहीं, पुलिस की हर तरह से अपराधियों के खिलाफ सख्ती की कार्रवाई की जा रही है। घटना है, घटना गंभीर है और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पुलिस शीघ्र ही इस पे इन मुलजिमों को पकड़ेगी, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुलजिम जो है वो कोई स्कॉर्पियो वाहन में आए थे, स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर आए थे, जिनकी सरगर्मी से नाकाबंदी करके तलाश की जा रही है। जिला एसपी साहब द्वारा डीएसटी और पूरे जिले की टीम को हथियारबंद नाकाबंदी करवाई गई है और मुलजिमों की तलाश के लिए विभिन्न टीमें लगाई गई है। शीघ्र ही मुलजिमों को दस्तियाब कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह घटना बेहद गंभीर है। पुलिस ने हथियारबंद जवानों के साथ नाकाबंदी करवा कर बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल और आरोपी दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते आरोपी ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश को लेकर जिले भर में पुलिस द्वारा नाकाबंदी करवाई जा रही है।